तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कॉरपोरेट एंटिटी एंड नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज हमने जो बोला था आज हम अपनी बात से थोड़ा पलटने वाले हैं क्योंकि वहां पर आप लोगों को नॉलेज नहीं लेना था कैश फ्लो का स्पेसिफिकली आज आपको स्पेसिफिकली इसी बारे में बात करनी है तो थोड़ा और गहराई से जानेंगे हमने ये बोला था कॉरपोरेट एंटिटीज का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यस और नो सेकंड होता है बैलेंस शीट एंड थर्ड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट फोर्थ होता है आपका नोट्स टू अकाउंट्स एंड चेंजेस इन इक्विटी ये हमारे पार्ट होते हैं कॉर्पोरेट एंटिटीज के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वेल वी आर जोकिंग अबाउट द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज टू नॉर्मली वी कैन से स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बैलेंस शीट येस और नो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके ऊपर ऑप्शनल होता है क्या होता है मैंनेडेटरी नहीं है ये मैंने आज तक बताया था लेकिन आज थोड़ा हम लोग अपना सिस्टम सुधारेंगे एवन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर कैश फ्लो बनाना ही नहीं ऑप्शनल है कुछ ऐसी नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज हैं जिनको मजबूर किया है कैश फ्लो बनाओ आज हम ये देखेंगे जैसे अगर मैं ये लाइन पढ़ दूं वन पर्सन कंपनी के ऊपर कैश फ्लो मैंडेटरी नहीं है स्मॉल कंपनीज डोरमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है मे नॉट इनक्लूड मे मे मैं नहीं मे बकरी वाला में दिस इज एन ऑप्शनल थिंग शैल और मस्ट नहीं लिखा है ठीक है ना अच्छा तो एक चीज तो समझ में आई कि कॉर्पोरेट एंटिटीज में भी वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप्स हैं, और डोरमेंट कंपनी उनके ऊपर एप्लीकेबल कंपलसरी नहीं है इसी तरह अगर हम नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज की बात करें तो लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री मैंने बताया था हाँ ना पक्की बात है लेवल वन की जो एंटरप्राइज होती हैं उनके ऊपर लगना ही लगना है किन के ऊपर लगना है लेवल वन की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये लगना ही लगना है जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं बस इतना याद रखना उसमें भी लेवल पचास करोड़ तक के टर्नओवर का ऊपर का बताया था ना ये लगेगा यानी जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के उनके ऊपर ये सिस्टम लगेगा कॉर्पोरेट एंटिटीज में सब पर लगेगा लेकिन वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी डॉर्मेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अब पूरा हो गया चल सकते हैं हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेसिकली दिस इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर मैं कहूं कि किसी कंपनी के बारे में अगर आपको डिसीजन लेना हो कि इस कंपनी में पैसा लगाएं या ना लगाएं, मैंने क्या बोला इस कंपनी की फोर्सिबिलिटी मतलब फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या है मतलब हम अगर ड्रॉ करना चाहें कि इस कंपनी का भविष्य कैसा होगा प्रोस्पेक्ट कैसा होगा फ्यूचर में वो हम पता कर सकते हैं ओनली बाई द कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ यू आर जस्ट गोइंग थ्रू विद द पीएल अकाउंट जो नॉर्मली हर कोई देखता है बैलेंस शीट नॉर्मली हर कोई देखता है लेकिन इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर डिसीजन मेकिंग में आपको तो वो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी अगर मैं कहूं कि अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है पैसा लगाना है नहीं लगाना है इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट एसेट एंड लाइबिलिटी एंड ऑल दिस ट्राई टू एनालाइज द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड विद इन फाइव टू टेन मिनट्स यू विल कम टू नो दैट वॉट वुड बी द फ्यूचर ऑफ द कंपनी क्योंकि तुम लोग को एक चीज तो अच्छी तरह मालूम है कि एक खराब कंपनी को एक खराब कंपनी को अच्छा मैनेजमेंट बहुत आगे ले जा सकता है और एक अच्छी कंपनी को खराब मैनेजमेंट जमीन पे ला सकता है और कई एग्जाम्पल तुम लोगों ने अब तक देख भी लिए होंगे लाइफ में वही चीज यहां पर भी है कि मैनेजमेंट के डिसीजन कैसे हो रहे हैं हम वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से देख सकते हैं मैं तुम लोग के सामने एक एग्जाम्पल रखूं इस कंपनी के पास कैश पिछले साल पांच लाख था इस साल आठ लाख है पॉजिटिव है या निगेटिव है अरे बोलो ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैंक वगैरह में मिलाकर अच्छी बात है या खराब बात है अच्छी बात है खराब बात है अरे पहले सर पढ़ा लीजिए फिर हम बताएंगे <laughs> कुछ भी हो सकता है हो सकता है मशीन बेच करके पैसा आया हो हो सकता है ना चलो पिछले साल हमारे पास लोन दस लाख रुपए के थे इस साल आठ लाख रुपए के हैं अच्छी बात है बुरी बात है ऐसे कुछ नहीं बोल सकते अब अब तो समझ जाओ कि दो लाख का लोन रीपे हुआ दैट इज गुड कहां से मशीन को बेचकर अब समझ में आया इसका मतलब कंपनी खत्म हो जाएगी अपनी एसेट को बेच करके जिससे कमा रही है कंपनी उसी को बेच करके लोन पूरा कर रही है ऐसे कैसे अच्छी बात है मेरी बात समझ रहे हो कंपनी लॉस में है किसमें है और यहां पर वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है कंपनी ने सीसी लिमिट अच्छा खासा इसका मतलब फ्यूचर में भी कंपनी लॉस में जाने की पॉसिबिलिटी अगर उसने अपने डिसीजन अभी सही तरीके से नहीं लिए लेकिन अगर कोई कंपनी लॉस में है और उसके डिसीजन सही चल रहे हैं मेरी बात ढंग से समझना ये बिल्कुल वीआईपी पर्सन है जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है दस साल बाद दस, दस मिनट बाद ही क्लास में घुसता है तो जब भी आए तो बाहरों फूल बरसाओ <laughs> नहीं स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा <laughs> तो ऐसा काम ना किया करो इंपॉर्टेंट चीज निकल गई कल मैंने क्लास में पूछा था समझ में आ रहा है गड़बड़ ही गड़बड़ है तो क्यों बीच में दो क्लास छूट गए थे अब इस चैप्टर का हम क्या करेंगे बताओ <laughs> तो समय पर आओ चले अगर कोई कंपनी लॉस में है क्या बोला मैंने तो क्या आप उसमें पैसा लगाना पसंद करेंगे मैं करूंगा अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लूं तो मैं समझ जाऊंगा कंपनी का पिछला साल कैसा था इस साल कैसा है और आगे कैसा रहेगा सोचो तुम लोग अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा बड़ा करो ब्रॉड करो केवल लॉस देख करके किसी कंपनी में पैसा लगाना है नहीं लगाना है प्रॉफिट देख करके किसी कंपनी में पैसा लगाना है नहीं लगाना है इस चीज से हम डिसीजन नहीं ले, पर ले जा सकता है आसमान पे हो कंपनी तो उसको जमीन पर ला सकता है खराब मैनेजमेंट अब समझ में आई बात तो इससे डिसीजन मत लो किससे डिसीजन लेंगे एनालाइज करके और आपकी एनालिसिस में ये सब किताबें मैंने किताबों में नहीं मिलेगी चीजें ये सब चीजें एनालाइज जब आप करेंगे तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ही इसका जवाब देता है कि उसका मैनेजमेंट काम कैसे कर रहा है आज की डेट में अब समझ में आई बात जरा देखा जाए कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं होता वो ऑपरेशन होता है जैसे किसी बंदे की तबीयत खराब होती है या कुछ सर्जरी होती है ना ऑपरेशन होता है हाथ पैर मतलब बोलने नहीं चाहिए ये समझ लो कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हाथ पैर तोड़ देता है बैलेंस शीट और पीएल के हाथ पैर तोड़ देता है तीन पार्ट में कितने पार्ट में और यही वो तीन ऐसे पार्ट हैं जो आपको डिसीजन लेने लायक बनाते हैं मैं कुछ नहीं नया करूंगा हम लोग क्या करेंगे बैलेंस शीट और पीएल को तीन पार्ट में तोड़ेंगे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सारी एक्टिविटीज को आपका आना आपका जाना कैश का आना और कैश का जाना इसी को हम लोग कहते हैं कैश फ्लो क्या कहते हैं तो कैश फ्लो इंक्लूड्स इन एंड कैश फ्लो इंक्लूड्स आउट तो कैश फ्लो का मतलब कैश इनफ्लो एज वेल एज कैश आउटफ्लो पहली बात है कंफर्म है समझ में आया ये कैश और का मतलब क्या लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले तो अब ये समझ में आना चाहिए तब तो हम आप ऑपरेशन करने की बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कैश का मतलब केवल कैश नहीं है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है क्या है क्या मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का तो जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें कैश रिप्रेजेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नॉट ओनली कैश ठीक है ना कैश इक्विवेलेंट का मतलब मेरे हाथ में जो पैसा है जो मेरे दिखाई तो नहीं दे रहा एंड डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड हमने बैंक में पैसा रखा हुआ है जब चाहे हम डिमांड करके अपना पैसा निकाल सकते हैं होता है ना पैसा बैंक में आपके मेरे हाथ में पैसा है या मेरे बैंक में पैसा है दोनों बात एक ही है ना मानते हो ना तीसरा कोई भी ऐसा लिक्विड इन्वेस्टमेंट हाईली हाँ, 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 लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिसको हम जब चाहें तब बेच करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में हम पैसा लगाते हैं एफडीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं जब चाहे तब उसको सेल करके हम अपना पैसा निकाल सकते हैं उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट लिक्विड नहीं हाईली लिक्विड ऐसे तो हर चीज लिक्विड है अगर ध्यान दो तो ये ये लैपटॉप भी लिक्विड है अभी बेचे तो पैसा मिल जाएगा लेकिन तुरंत नहीं बिकेगा लेकिन वही एफडी है तुरंत पैसा तोड़कर वापस ले आओ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोल्ड बॉन्ड्स हैं तुरंत बेच करके पैसा ले आओ बात समझ में आई तो हम यहां हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक एंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट हाँ या ना? और ये किस नेचर के होने चाहिए लॉन्ग टर्म के ना हो किस नेचर के हो लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो भी तो शॉर्ट टर्म जब चाहे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा सर लिक्विड में हो जाएगा लेकिन दो साल वेट करना पड़ेगा वो नहीं कैश है अब समझ में आई बात हमने कहा कि हमारे कैश एंड कैश इक्वेलेंस में तीन चीजें आएंगी कैश इन हैंड कैश एट बैंक एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म ये तीन मिलाकर हमारा कैश एंड कैश होगा सुनना मेरी बात हम करने क्या जा रहे हैं सुबह सुबह मेरे पास सुनो ओपनिंग कैश बैलेंस था कैश का मतलब क्या है यहां पर हमारे पास सुबह सुबह एक हजार रुपए थे दिन भर में हमारे पास कैश इनफ्लो आया होगा सेल वगैरह जो भी हो पांच हजार और हमने दिन भर में कैश पेमेंट किए होंगे बोलो ना बता सकते हो शाम को जब मैं जाऊंगा तो मेरी गुल्लक में कितना क्लोजिंग कैश होगा आ? भाई एक हजार था पांच हजार और आ गया छह हजार चार हजार चला गया जेब से तो हाथ में कितना बचा ये 2000 मतलब कैश इन हैंड कैश एट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट्स। बात समझ में आई मैंने कहा कि हमें इन्हीं का तो ऑपरेशन करना है हम पूरी बैलेंस शीट और पीएल जो भी ट्रांजैक्शन करते हो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैश को इफेक्ट करते हैं मैंने ये नहीं कहा सारे ट्रांजैक्शन। नॉर्मली जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं मैंने ये नहीं कहा सारे जो भी ट्रांजेक्शन नॉर्मली हम लोग करते हैं वो हमारे कैश को इम्पैक्ट करते हैं मेरी बात समझ में आ रही लगाया उससे कैश इंपैक्ट नहीं करेगा ना मुझे किसी को पैसा बकाया देना है उससे मेरा कैश इंपैक्ट नहीं होगा ना हमें पैसा कहां कहां से आया और कहां, -कहां मैंने पैसा दिया तो अब जरा देखो कैश अकाउंट तुम लोग बनाते थे ओपनिंग बैलेंस से इतना इतना आया इतना इतना चला गया ये क्लोजिंग बैलेंस हम तो वही लिखे हैं यहाँ पर और क्या लिखे हैं दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट दिस इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम करने क्या जा रहे हैं जो भी हम लोग कैश अकाउंट में लिखते हैं ना रिसीट एंड पेमेंट उनको तीन एक्टिविटीज में बांटेंगे कितनी एक्टिविटीज में अरे भाड़ में जाओ तुम कैश अकाउंट हम बात करते हैं बैलेंस शीट और पीएल की जो भी बैलेंस शीट और पीएल में नॉर्मली ट्रांजेक्शन होते हैं उनका इम्पैक्ट कैश पर पड़ता है हमने माल खरीदा कैश अफेक्ट हुआ हमने माल बेचा कैश अफेक्ट हुआ हमने लेबर का पेमेंट दिया कैश अफेक्ट हुआ हमें डिविडेंड मिला कैश अफेक्ट हुआ जो भी ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो मेरे कैश को अफेक्ट करते हैं और ये पूरे तीन तरह की एक्टिविटीज है मैंने कहा हाथ पैर तोड़ेंगे कितने पार्ट में मजाक नहीं कर रही तीन पार्ट में हम लोग पूरी बैलेंस शीट और पीएल के तीन पार्ट में हाथ पैर तोड़ेंगे जरा देखते हैं किस तरह से पहले एक शॉर्टकट समरी देख लेते हैं दिमाग में इसको हम नाम देते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल इसको हम नाम देते हैं यह है आपका ट्रेडिंग अकाउंट नीचे है पीएल और यह है बैलेंस शीट ये हम कह सकते हैं यहां पर क्या लिखते हो लाइबिलिटीज ना लाइबिलिटीज ना जरा साथ साथ बोलना हमने बिजनेस में कैपिटल लगाया तो क्या आ गई हमने बिजनेस में लोन लिया क्या आ गया हमने डिवेंचर इश्यू किए क्या आ गए ये सारे पैसे हमने बैंक से लोन लिया सीसी लिमिट ली वर्किंग कैपिटल लोन अच्छा छोड़ दो इसको हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, हमारे पास बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग है हमारे पास यहां प्लांट एंड मशीन है बिल्डिंग है स्टॉक है डेटर्स है कैश है कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्वलेंस हाँ या ना पक्की बात हम ये कहें हमने यहां यहां से पैसा किसी का लिया है बोल सकते ना किसी का पैसा लिया होगा चाहे शेयर होल्डर से लिया हो चाहे डिवेंचर होल्डर से लिया हो चाहे बैंक से लिया हो चाहे क्रेडिटर से उधार माल लेकर के लिया हो आखिर उसने माल तो खरीदा होगा उसने हमको उधार बेचा इसका मतलब फ्री में आ गया हमने एक तरह से लोन का इंडायरेक्टली इंतजाम कर लिया पता ही नहीं चला इसी तरह बिल्स पेबल है मुझे किसी को पैसा देना है मैंने दिया नहीं इसका मतलब हमको सामने वाले ने कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म ही सही लोन दिया है आउटस्टैंडिंग है मैंने अपने वर्कर का पैसा फंसा कर रखा है इस महीने काम करोगे ना अगले महीने पैसा देंगे सैलरी एक तरह से लोन का एंजॉयमेंट मैं कर रहा हूं इनडायरेक्टली अगर समझो तो इसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ फंड अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं आ रहा इसको हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ फंड ये पैसा एक जगह पूल हो रहा है एक जगह यहां से एक जगह आकर के पूल हो रहा है और इस पैसे को यूज हमने क्या किया उससे हमने प्लांट एंड मशीनरी उससे हमने बिल्डिंग देखो उसको स्प्रेड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिफरें जगहों पर यानी पैसा आया एक जगह वहां से फिर पैसा फैला दिया कई जगहों पर हाँ या ना इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या बोलते हैं तो हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटी पढ़ते हैं मत पढ़ो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये पढ़ो ये सोर्स ऑफ फंड्स हैं और ये शन ऑफ फंड बात समझ में आई क्लियर हुआ ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ये क्या है पूरा बिजनेस को चला रहे ना तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है डे टू डे रूटीन वर्क इसी में ही होते हैं बिजनेस के इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसको हम लोग कहते हैं पैसा किसी से लिया है ना हम शॉर्ट पे अभी बता रहे हैं, थोड़ा डिटेल में थोड़ी देर बाद बताएंगे इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या बोलते हैं कहें कहां कहां से फाइनेंस इकट्ठा किया है इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहां हमने पैसा लगा रखा है इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लकीर के फकीर मत बन जाना अभी हम थोड़ा चेंज करेंगे लेकिन पहले ये समझ लो होता क्या है यानी इन टोटालिटी हमने अपनी बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल को तीन पार्ट में तोड़ा एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी फर्स्ट इज योर ऑपरेटिंग सेकेंड इज योर इन्वेस्टिंग थर्ड इज योर फाइनेंसिंग हाँ है ना हम लोग यहां पर हम लोग बनाने क्या जा रहे हैं ये बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन तरह की एक्टिविटीज भी समझ में आ गई यहां हमने परचेज लिखा क्या लिखा <coughs> ये हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस है एक हजार हमने तीन एक्टिविटीज में बांटा अभी तक क्या दिख रहा था शुरू शुरू में जब मैंने बताया कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो इस कैश इनफ्लो में इनफ्लो होगा ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तीनों को अलग कर दें हमने पहले लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दूसरा लिखा मैंने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा लिखा मैंने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हाँ या ना मैंने कहा कि यहां से हमको दो हजार रुपए मिले प्लस और माइनस मिलाकर इनफ्लो एंड आउटफ्लो नेट फ्लो प्लस और माइनस मिलाकर आना और जाना इन्वेस्टिंग से यहां हमारे पास आए दो हजार और प्लस और माइनस मिला करके यहां से चला गया एक हजार रुपए तो हमारे पास कैश कितना बचा होगा इसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वेलेंट कुछ फॉर्मेट समझ में आया अब तक हम तीनों को एक साथ लिख रहे थे ऊपर हमको इनको तीन को तीन पार्ट में बांटना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना आया और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना गया ये हो गया नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना गया ये हो गया नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना आया और कितना गया ये हो गया नेट इसको देख करके कुछ समझ में आ रहा है हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस का फ्यूचर अच्छा है क्योंकि बिजनेस के पास कैश है और वो प्लस हो रहा है बिजनेस के बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट हो रहा है क्या हो रहा है आया ना बिजनेस नई नई मशीनें खरीद रहा है हा एसेट बेचोगे तो पैसा जाएगा आएगा ये पैसा आया है तो ये माइनस में है या प्लस में ये प्लस में है इसका मतलब पैसा आया पैसा आने का मतलब एसेट गई तो ये हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन है अच्छा ये नेगेटिव इंडिकेशन है दो हजार रुपए तो हमने कहां से कलेक्ट किए ऑपरेटिंग से अच्छी बात है दो हजार रुपए एसेट बेच दी और अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया सही बात है क्या अच्छा जा रहा है क्या अभी भी मॉडरेट कंडीशन में है कंपनी हम इसको खराब नहीं बोल सकते क्योंकि इसके पास बिजनेस का फायदा है पक्की बात है ना यानी अभी भी कंपनी मॉडरेट है इस पैसे का यूज करेगी कहीं ना कहीं यूज करेगी पक्की बात है अच्छा अब अगर मैं आपको बोलू मेरे पास एक हजार का ये था दो हजार का लॉस था दो तीन हजार का पैसा आया है और एक हजार गया है मेरे पास नेट एक हजार पड़ा है अगर कोई बोले मेरे पास एक हजार था और एक हजार है कोई फर्क नहीं पड़ा हम कहेंगे ठेंगा तुम्हारी कंपनी होने वाली है बंद कैसे पहली चीज तो लॉस दूसरा चीज आपने एसेट बेच दी और अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं अब लॉस और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए आपने अपनी एसेट बेची सही बिजनेस जा रहा है क्या यानी आपको फ्यूचर मालूम है इस बिजनेस का क्या होगा आने वाले समय में अगर मैंने ये कह दिया कि दो हजार रुपए आया तीन हजार दो हजार रुपए यहां पर लगाए मैंने और दो हजार एक हजार रुपए हमने यहां से लिया तो मेरे पास पैसा बचा जीरो चलो माइनस में बताओ सही जा रहा है या खराब जा रहा है सही जा रहा है कैसे इसने पैसा एसेट में लगाया 2000 बिजनेस से कमाया 2000 और अपनी लाइबिलिटीज को भी मीट आउट कर रहा है यानी कंपनी कहीं से गलत नहीं जा रही एवन दो इज माइनस बैलेंस कैश बैलेंस माइनस में लोन ले लिया कोई दिक्कत नहीं लेकिन जितना लोन लिया उससे ज्यादा वो कमाया उससे ज्यादा उसने एसेट में इन्वेस्ट किया तो देखो ना देखने का तरीका बदल जाता है केवल अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करने की आदत डालें केवल प्रॉफिट या लॉस से बिजनेस को हम एनालाइज नहीं कर सकते हमको साथ में किसको एनालाइज करना पड़ेगा कैश फ्लो तो इसको आप समझ में आया कैसे दिखाना है कुछ कुछ फायदा मिला वापस आते हैं हमने कहा यह हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा होता है अच्छा तुम्हारे घर में कौन रहता है तुम रहते हो अगर कल से अलीम रहने आ जाए तुम्हारे घर में एक मूवी थी अतिथि तुम कब जाओगे आई थी ना परेशान हो गए थे अतिथि को देख करके कुछ दिन में वही हालत होगी अगर उसको बुला सकते हो हमू को बुला लो <laughs> कुछ दिन तो गुजारो मेरे घर में बोलो <laughs> तो कहने का मतलब ये ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है क्या कोई एक घर दूसरे घर के सदस्य को अपने घर में रहने देगा धक्के मार कर निकालेगा तो अगर ये ट्रेडिंग एंड पी अलीम सोच रहा है हमको धक्का मार <laughs> ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है सुनो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है इसमें अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी तो उसको धक्का मार कर बाहर निकालोगे सर इसमें कैसे कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकती है डिविडेंड या इंटरेस्ट जो मिलता है पूछो ना पूछो क्या होता है वो हमने पैसा कहीं और लगाया है तो जब हम पैसा कहीं लगाते हैं तो वो कहां आता है और इन्वेस्टमेंट किस एक्टिविटी का हिस्सा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट और डिविडेंड वो पीएल में दिखता है का कर रहा है यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के घर में तुम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या कर रहे हो चल हट कहा जाओ तुम कहां जाओ यहां से निकल करके इन्वेस्टिंग में जाओ तो हमको यहां से उसको निकालना पड़ेगा तुम अपने घर में सच कर रहो तुम उसको अपने घर में ले जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर मैंने कहा कि इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड मेरी बात समझना ये इंटरेस्ट और डिविडेंड किस पर पे करते हैं इन पर ये कौन सी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग क्या कर रहे हो यहां पे यहां से निकलो तुम्हारा घर कौन सा है इसका घर कौन सा था और इसका घर कौन सा है तो तुम लोग अपने अपने घर में जाओ ये दूसरे के घर में कहा घुसखोर मतलब नहीं क्या कहते उसको घुसखोर नहीं कहते <laughs> बने हुए हो हु। निकलो यहां से घुस बैठिए ठीक है ना बाहर निकलो अपने घर में जाओ तो हटा देंगे उनको अब समझ में आई यहां लिखा हुआ मिलेगा डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किस पर जाता है किस पर जाता है एसेट्स पे तो कौन सी एक्टिविटी है कोई एक्टिविटी नहीं है क्योंकि ना कैश आता है ना जाता है ये नॉन कैश एक्टिविटी है ये किसी भी घर, का हिस्सा, तुम तीनों घर में रहने लायक नहीं हो तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट में आने लायक नहीं हो क्योंकि हम केवल कैश का आना और कैश का जाना देख रहे हैं नॉन कैश आइटम्स का कोई घर नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में समझ में आई बात पक्का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हमने दस हजार की एसेट बारह हजार में बेच दी तो कौन सी एक्टिविटी है कौन सी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग कैश आया या नहीं कैश है कि नहीं कैश आइटम है या नहीं अरे बोलती क्यों नहीं हेंगा। ये नॉन कैश आइटम है कहो तो दिमाग खोलूं कहो तो दिमाग खोलूं बताओ तुम बताओ कैश एक्टिविटी है नहीं है अरे हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट बारह हजार एसेट कितने की चली गई दस हजार की तो प्रॉफिट कितना हो गया जी प्रॉफिट ऑन सेल दो हजार का प्रॉफिट आया या नहीं आया कैश आया या नहीं आया कैश एक्टिविटी है या नहीं है अरे बोलो भाई अरे हाँ या ना छुंगम चबा चबा के क्लास करोगे यहां से सब झाग निकल निकल करके गिरेगी <laughs> उसी ने दिया है ना कह रहा है मैं खुद नहीं खाता पूरी क्लास में चुमू चलता रहता है उसका <laughs> कौन सा खाते हो जो भैंस का टिन से जम... <laughs> कौन सा होता है सेंटर फ्रेश है कौन सा है टीवी में एड आती थी वो चुंगम खाकर भैंस का दांत भी टिन्न से चमकता है वही वाला खा रहे हो <laughs> देखो उसको वो भी लो <laughs> <laughs> कई बार कोशिश किया होगा खाने के बाद शीशे के आगे दांत खोला होगा नहीं चमका होगा फिर खाया होगा हार मानकर उसको छोड़कर दूसरे पर चला गया बताओ ये कैश आया या नहीं दो हजार नहीं आया अब सुन लो मेरी बात तुम लोग की सोच घटिया है हम थोड़ा उल्टा कर दे देखो तुम लोग सही जवाब दे दोगे मैं जानता था इसका जवाब गलत मिलेगा मैं कहता हूं दस हजार की एसेट को आठ हजार पर बेच करके बताओ हां बोलो तो ये कैश गया या नहीं गया गया या नहीं गया? गया या नहीं गया कैश गया या नहीं गया, गया, नहीं गया? कैश गया या नहीं गया तो ये 2000 आ कैसे गया <laughs> जब ये 2000 गया नहीं तो 2000 आया कैसे अब कहोगे सर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अरे इंसान ये है ना बस ये कैश आइटम है कैश आइटम कितना है केवल बारह हजार कैश आइटम कितना है केवल आठ हजार ये कैश आइटम नहीं है। कहां लिखा है कैश बैंक या इन्वेस्टमेंट इस एंट्री में केवल ये कैश आइटम है कैश ट्रांजैक्शन है लेकिन यह आइटम केवल कैश का है ये नॉन कैश आइटम्स हैं। फर्क समझ में आया ये कैश ट्रांजैक्शन है लेकिन इसमें केवल कैश आइटम यह है ये दोनों नॉन कैश आइटम है ये कैश ट्रांजेक्शन है मैंने मना नहीं किया लेकिन इसमें केवल कैश आइटम यह है ये दोनों नॉन कैश आइटम्स है अब समझ में आई बात हम लोग को केवल कैश आइटम्स को खोजना है ठीक पक्की बात अब बताओ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज अ कैश ट्रांजेक्शन और नॉट यस कैश आइटम है या नहीं नहीं है तो ये यहां क्या कर रहा है इसका कोई घर नहीं है जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है, है कि नहीं इसका भी कोई नहीं है इसका तीनों घरों में कोई घर नहीं है. हटाओ इसी तरह सेल ऑफ एसेट इसका कौन सा घर होगा अब देखो तुम लोग का दिमाग अपने आप खुला समझ में आई बात रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है हमने कहीं पैसा जमीन जायदाद में लगाया होगा वहां से रेंट आ रहा है तो उसको वहीं ले जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यहां क्या कर रहे है? अब ठीक है एक पूरा स्टेटमेंट बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं ये बच्चों वाला चैप्टर है याद रखना बस एक लेक्चर ढंग से समझ लो कैसे हाथ और पैर तोड़ने हैं इसके ताकि कोई दिक्कत ना आए जैसे अभी ये डाउटफुल था ना तो इस तरह के अब डाउट्स कैसे खत्म होते हैं जरा देखो बनाए तुम लोग हमें हेल्प करोगे पीएल और बैलेंस शीट बनाने में नहीं करोगे अरे थोड़ा टाइम लेंगे चिंता ना करना लेकिन इसको टाल भी नहीं सकते नेक्स्ट सेशन के लिए बीच में नहीं रोक सकते कहानी पूरी होनी चाहिए चलो बताते जाओ तो क्या क्या लिखे हैं हम पुराने ओल्ड फॉर्मेट में ही बना रहे हैं तो बुरा ना मानना परचेजेस बताते जाओ तो टू सैलरी बोनस कमीशन रेंट स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन लीगल एक्सपेंसेस ऑडिट फीस हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं ठीक है ना ताकि जगह हमको मिल सके फालतू चीजों को अलग कर ले हां और मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ और बता सकते हो और अरे हो गया चले यहां पर मैंने लिखा डेप्रिसिएशन टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इंटरेस्ट पेड डिविडेंड हां कमीशन काहे के लिए बार बार बोल रहा हूं और कुछ और By ग्रॉस प्रॉफिट इंटरेस्ट received, डिविडेंड इनकम और हा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ठीक है रहने दे अच्छा एक रह गया ट्रांसफर टू रिजर्व नेट प्रॉफिट हाँ बताओ कैपिटल ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिवेंचर्स बैंक लोन क्रेडिटर्स outstanding expenses bills payable building plant and machinery investment stock debtors कैश एंड बैंक बस ठीक है बैलेंस शीट अच्छा यह है लास्ट ईयर करेंट ईयर लास्ट ईयर एंड यह ये हमारे पास एक ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट दिया है हमें इसी से बनाना पड़ता है क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने कहा तीन पार्ट में तोड़ देंगे इसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हाँ हा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इससे हम क्या निकालने जाएंगे नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ढंग से सुनना इधर कैश फ्लो फ्रॉम हम किसकी बात कर रहे हैं इसका मतलब एक्सक्लूड करेंगे इसमें से क्या नॉन कैश आइटम्स हा या ना उनको हटाओ यहां से बाहर करो पहला कुछ भी हो नॉन कैश हटाओ दूसरा एक्सक्लूड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कौन सी एक्टिविटीज यानी इसमें अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं उसको हटाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसको यहां से निकाल बाहर करो तभी तो बचेगा हमारा केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग अब चाहे ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा उससे कोई लेना देना नहीं ठीक है ना अच्छा सेम यही चीज इसके बारे में बोले किसके बारे में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अभी मैं पूरा सही नहीं बता रहा हूं पहले दिमाग खोल लेते हैं कैश फ्लो का मतलब एक्सक्लूड कर देंगे नॉन कैश आइटम्स वो कहीं नहीं रहेगा किसी घर में नहीं रहेगा और एक्सक्लूड कर देंगे नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इसमें इस कौन सी नॉन नॉन फाइनेंसिंग है वही तो बताना है इधर आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एक्सक्लूड कर दो नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अब थोड़ा और डिटेल ऑपरेशन करें काफी चीजें तो समझ में आ गई अगर हम आपसे कहें डेप्रिसिएशन कहां जाएगा आप कहेंगे कहीं नहीं जाएगा क्योंकि नॉन कैश आइटम है मैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कहा जाएगा आप कहेंगे कहीं नहीं जाएगा मैं इंटरेस्ट और डिविडेंड कहा जाएगा ये एक्टिविटी है वहां ले जाइए मत रखिए से हटाइए यानी यहां से हटाना पड़ेगा हा या ना ट्रांसफर टू रिजर्व ये नॉन कैश आइटम है इसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन कैश आइटम है और ये दोनों हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है वहां ले जाइए यहां क्या कर रहा है अब जरा देखो क्या हटाना था हटा दिया कट करके और क्या हटाना था हटा दिया दोनों जो इन्वेस्टिंग का था इन्वेस्टिंग में जो फाइनेंसिंग का था फाइनेंसिंग में क्लियर है नहीं समझ में आई बात इसका क्या होगा जरा देखो इसमें नगद माल भी खरीदते हैं इसमें उधार माल भी खरीदते हैं, गुड्स परचेस्ड ऑन कैश गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट हम कैश मान लें सारा का सारा परचेस को हा? उधार माल खरीदते हैं तो क्या जनरेट होता है क्रेडिटर्स तो परचेस का संबंध किससे है और क्रेडिटर्स का संबंध किससे है बिल्स पेबल से? उसी से तो बीपी मिलता है है नहीं तो अगर मैं परचेस को उठाऊं तो परचेस के साथ क्या गया एंड अच्छा एक बात बताओ सेल्स उधार किया तो इसके साथ क्या आएगा डेटर्स एंड बी आर हा या ना ये कहां से आया और ये कहां से आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां से आएंगे इन्हीं में से आएंगे कहां से आ रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन्हीं लोगों को तो नहीं दिया तो यही चीज तो यहां से आई ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी बोलो और स्टॉक कैश एंड बैंक छोड़ दो स्टॉक की बात करें, तो ये यह स्टॉक यही तो है बोलो ट्रेडिंग अकाउंट से अब तुम खुद बताओ बैलेंस शीट में कुछ हिस्सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है अगर यह ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो इसके सगे रिश्तेदार भी क्या होंगे जैसे इसका हिसाब किताब तुम लोगों ने कहा देखा था इंटरेस्ट रिसिव्ड और डिविडेंड रिसिव्ड इसका रिश्तेदार कहां पकड़ाया था इस घर में और इनके रिश्तेदार कहां पकड़ाए थे इस घर में उनको धक्के देकर यहां हटाकर निकाला गया तुम क्या कर रहे हो रे मेरे घर में ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेगी ना इन लोगों को कि तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो इन लोगों को तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम लोग यहां से गायब हो जाओ क्योंकि तुम कौन सी एक्टिविटी हो वही फाइनेंसिंग इन लोग को बोलेगी तुम तीनों लोग यहां से चलो बाहर हो जाओ क्योंकि तुम लोग कौन सी एक्टिविटी हो तो मैंने कहा था ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से हटा देंगे कौन सी एक्टिविटीज तो नॉन फाइनेंसिंग यही तो दिख रही है और इन्वेस्टिंग में से भी नॉन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हटानी है कौन सी एक्टिविटीज है ये तो कह सकते हो कि जो करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटीज होती हैं वो हमारी नॉन ऑपरेट नॉन इन्वेस्टिंग और नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं ध्यान देना क्या देना इसको उठा करके नीचे रख देना अलग से क्योंकि ये चैप्टर इसी के लिए है बात समझ में आई सारी फसाद की जड़ यही है इसी पर ही तो चौंपना है तो इसको किनारे कर लो अब बात करो ये करंट एसेट है ये यहां से हटेगा कहां जाएगा ऑपरेटिंग में ये करंट लाइबिलिटी कहां जाएगा ऑपरेटिंग में बचा तुम्हारा ये इन्वेस्टिंग ये वाला और ये बचा फाइनेंसिंग अब समझ में आई बात कंसेप्ट क्लियर हुआ किसको कहा ले जाना है किसका कौन सा घर है ये समझ में आ गया लेकिन हमें केवल बात करनी है कैश का आना कैश का जाना तो हर जगह से नॉन कैश आइटम का कोई घर नहीं है देखो ना नॉन कैश आइटम का कोई घर नहीं है इसको कोई नहीं पूछ रहा समझ में आई बात क्लियर है कंसेप्ट कैसे अब बनेगा कुछ कुछ दिमाग में आया प्रिपेयर करें कसम से और केवल इसी की हेल्प से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो एक बार फॉर्मेट हम बता दे रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड कौन सा मेथड बिकॉज दे आर टू डिफरेंट मैथड टू प्रिपेयर योर कैश फ्लो स्टेटमेंट द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मैथड सेकेंड वन इज तो फर्स्ट हम कौन सा मेथड देखने जा रहे हैं इनडायरेक्ट तुम लोग यूज टू हो क्या हो लतखोर जी से तुम लोग उसके लायक हो तो पहले हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट मैथड डायरेक्ट कैसे पढ़ लोगे तुम लोग ठीक है ना डायरेक्ट उसके बाद सीखेंगे हम लोग पहले पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ढंग से सुनना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर ये मैंने कहा आज का लेक्चर समझ में आ गए तो हमेशा का सिस्टम या झंझट खत्म ये ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस है कैश एंड कैश इक्वेलेंस है सुबह सुबह मेरे पास इतना कैश पड़ा हुआ था हा या ना और हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना आया या गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इतना आया या गया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इतना आया या गया तीनों को प्लस या माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वेलेंस अब समझ में आई बात कॉमन सेंस के सुबह सुबह इतना पैसा था तीनों से मिलाकर इतना और प्लस या माइनस हो गया क्लोजिंग आ गया अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग सारा मगजमारी इसी में ही होता है किसमें जबकि टफ नहीं है कॉमन सेंस अगर हो तो टफ नहीं है मोबाइल छोड़ दे हाँ हाँ <laughs> बताओ जब मूवी देखने जाते हो आगे वाली सीट वाला बंदा मोबाइल चलाता है खूब मजा आता है ना पिक्चर देखने में मन तो करता है पीछे से वही मोबाइल अपनी वाली निकाल कर देखो उसके दिमाग में क्या आ रहा है तुम्हारे ही पीछे वाला बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा इसे उल्टा काम करोगे खूब मरना होगी तो। सुनो बोलना पड़ता है मोबाइल बंद कर दे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ढंग से सुनना पांच मिनट हमें क्या दिया हुआ है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है दिया है ना दिया है ना तो हमने लिख दिया यहां पर नेट प्रॉफिट एज गिवन एक बात बताओ तुम ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस होना चाहिए था क्या सच सच बताओ नॉन कैश आइटम है ना हटाना पड़ेगा ना ये कहीं नहीं आएगा किसी घर का हिस्सा नहीं है इसको बेदखल तो अगर इसको यहां से हटाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा क्या होगा बढ़ेगा अगर ये यह यहां नहीं होता तो प्रॉफिट बढ़ गया होता तो यहां से हटाओ और प्रॉफिट को बढ़ाओ नॉन कैश एक्टिविटी है माइनस करके तुमने अपना कैश कम करके रखा है वापस कैश वाली जगह पर ले आओ ट्रांसफर टू रिजर्व हा या ना अच्छा, डिविडेंड हटाना है ना यहां से हटाओ डिविडेंड डिविडेंड पेड हटाओ क्योंकि इस घर का हिस्सा नहीं है एक कैश एक्टिविटी है लेकिन इस घर का हिस्सा नहीं है तो जब डिविडेंड को यहां से हटाओगे तो ऑपरेटिंग का प्रॉफिट बढ़ेगा ना कैश कैश बढ़ेगा ना तो यहाँ डिविडेंड पेड और कहा से माइनस करना चाहिए इसको बताओ तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस करना चाहिए दूसरी कौन सी एक्टिविटी है तो हमने यहां लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरे में लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम तुम लोगों ने कहा डिविडेंड यहां से हटाइए सर लेकिन कैश तो गया है ना जाना तो चाहिए ना सच में जाना चाहिए ना गया है ना तो किसी ना किसी जगह से माइनस होगा ना हमने तो वापस जोड़ दिया इसको क्यों जोड़ा क्योंकि इसको सही घर से माइनस करना था सही घर से माइनस करने का मतलब यहां से माइनस करना था डिविडेंड पेड ये माइनस करना है कोई फर्क नहीं पड़ा ना जोड़ा ना घटाया लेकिन सही घर में चला गया पक्की बात है इसी तरह डिविडेंड पेड के बाद इंटरेस्ट पेड सेम वही चीज इंटरेस्ट पेड यहां पर प्लस कर दो इस घर से नहीं जाना चाहिए था जाना तो चाहिए था लेकिन इस घर से नहीं तो वापस प्लस करो और जहां से जाना चाहिए वहां से माइनस कर दो तो। समझ में आई बात अच्छा इसके बाद मैंने क्या कहा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये नॉन कैश आइटम है एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहा ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा ये नॉन कैश आइटम है यहां क्या कर रहा है यहां से हटाओ और किसी घर में ना ले जाओ क्योंकि किसी घर का हिस्सा क्योंकि जितना कैश आया लॉस या प्रॉफिट वो सब हमारा कैश अकाउंट में जुड़ा हुआ है ऑलरेडी एसेट को सेल करने से आठ हजार आया बारह हजार वो ऑलरेडी इसमें है लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस किसी घर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हटाओ और जब हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना मतलब हमारा कैश बढ़ जाएगा ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट समझ में आ रहा है पक्की बात डेप्रिसिएशन किसी घर का हिस्सा नहीं बनेगा नॉन कैश आइटम है हटाओ यहां से तो जब हटाओगे तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश बढ़ जाएगा खत्म पक्का अब जो इसका आउटस्टैंडिंग है सर ये सब पेड हो गए होंगे क्या आउटस्टैंडिंग भी तो रहा होगा इसका खर्चों का तो जो आउटस्टैंडिंग है वो तो हम कह ही रहे आएंगे अभी हम छोड़े थोड़ी आना बाकी है वो हिसाब किताब तो इसका मतलब हमने ये पूरा हिसाब किताब देख लिया ऊपर आते हैं इसमें भी आउटस्टैंडिंग हो गए वो भी कहा चले गए होंगे नीचे परचेस पर क्रेडिटर होगा वो भी नीचे है छोड़ देते हैं इसको अब समझ में आई बात इस पर आते प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट फालतू में क्यों प्रॉफिट एड कर रखा है जबकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो नॉन कैश आइटम है हटाओ तो जब क्रेडिट साइड हटाओगे तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा प्रॉफिट को कम करोगे तो माइनस हो जाएगा माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इससे कैश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बोलो डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट रिसीट ये भी यहां से हटाओ क्योंकि इसका घर कौन सा है इन्वेस्टिंग यहां से हटाओ दोनों को तो यहां से हटाएंगे तो कम हो जाएगा डिविडेंड रिसीट इंटरेस्ट रिसीट और कहा प्लस होना चाहिए वहां प्लस करो प्लस डिविडेंड रिसीट प्लस इंटरेस्ट ऊपर वाला तुम लोगों लोग को मालूम ही है कहां से मिल जाएगा एसेट साइड से डेटर्स हो गए बीआर हो गए स्टॉक हो गए कहां मिल जाएंगे यहां अभी ये बचा हुआ है अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पीएल का हिसाब किताब हम लोगों ने खत्म कर दिया अब जरा इसकी बात करते हैं बिल्डिंग बेची तो कैश आया तो सेल ऑफ एसेट करेंगे तो कैश दिक्कत हो रही है समझने में बिल्डिंग बेचेंगे तो कैश आएगा कौन सी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग जहां इन्वेस्ट किया था उसमें परचेज और सेल हुआ है। इन्वेस्ट कहां किया था प्लांट में बिल्डिंग में मशीन में अगर उनको बेचेंगे तो पैसा आएगा तो सेल ऑफ एसेट्स पैसा आया तो सेल ऑफ एसेट और अगर खरीदेंगे एसेट को तो पैसा गया परचेज ऑफ एसेट प्लस सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलो जो नॉन लिक्विड है माइनस परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ में आई बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा इसी से ही कवर हो जाएगा इससे हो गया ये सब हाँ या ना अब इसकी बात करें शेयर इश्यू करेंगे डिवेंचर इश्यू करेंगे बैंक लोन लेंगे तो पैसा आएगा आएगा तो हम यहां लिखेंगे इशू ऑफ शेयर डिवेंचर बॉन्ड प्लस लोन बैंक लोन टेकन माइनस लोन रीपेड बोलो पैसा गया माइनस रिडम्शन ऑफ बॉन्ड्स बोलो ना जो भी आप समझते रहना है समझाना हो गया क्लियर हुआ बचा क्या ये पूरा खत्म ये दोनों खत्म किस एक्टिविटी का हिस्सा है किस एक्टिविटी का हिस्सा है ऑपरेटिंग तो इसका इंपैक्ट कहां ले जाना है देखोगे ढंग से बस लास्ट यही बचा है अगर ये समझ में आ गया समझ लो पूरा चैप्टर खत्म टाइम टाइम फिर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक बहुत टफ था क्या सबसे हल्लुक चैप्टर है और बच्चे खूब रट्टा मारते हैं फॉर्मेट ले करके पट 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 नहीं मजाक नहीं कर रहे अच्छा खासा फॉर्मेट रट्टा मारते हैं कहानी की तरह तैयार रखो कहानी की तरह रहेगा पानी की तरह रहेगा पीना है <laughs> लास्ट के पांच मिनट और दो ढंग से जो बोलूंगा थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन पांच मिनट बाद वो डाइजेस्टेबल होगा शुरू में पांच मिनट नॉन डाइजेस्टेबल है लेकिन उसके बाद समझ में आ जाएगा मैंने यहां बनाया ठीक है मैंने यहां बनाया अब चाहे बीपी बनाओ बीआर बनाओ क्रेडिटर्स बनाओ डेबिटेटर्स बनाओ सबकी बात कर रहा हूं उसी की तो बात करनी है ना हमें हम लोग किस पर टिके हुए हैं बीआर बीपी क्रेडिटर्स उसी पर ही तो है मेन यही समझ लें तो बाकी कंसेप्ट अपने आप समझ में जा आ जाएगा जरा देखो हमारे पास हमको मैंने जो उधार माल बेचा था उनसे हमें पचास हजार लेना था लेना था और इस समय जो बचा हुआ बैलेंस है उनके पास वो बीस हजार रुपए लेना बाकी है हमने उनको उधार माल बेचा अस्सी हजार का कितने का सच सच बताना कितना पैसा मिल गया होगा अरे बोन पचास हजार लेना था अस्सी हजार और उधार माल बेच दिया तो इट मीन वन लाख थर्टी थाउजेंड इज नीडेड टू बी रिसीव नाउ द बैलेंस इज ट्वेंटी थाउजेंड इट लाख टेन थाउजेंड यस और नो तो हम यहां लिख देंगे कैश या बैंक कितना मिल गया इन दोनों का डिफरेंस कितना है सच बताओ कितना है जादू देखोगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है है ना और इन दोनों का डिफरेंस कितना है अगर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन ना दी रहे इफ वी गॉट ओनली दीज टू इंफॉर्मेशन कि हमारे पास था पचास और गया बीस तो नेट हमारे पास आ गया तीस बोल सकते हैं नेट आया कितना शुरू में पचास हजार लेना था अब कितना लेना बाकी है मान लो तुमसे मुझे फीस लेनी थी बीस हजार अब बचा हुआ है तुम्हारे अकाउंट में पांच हजार कितना ले लिया मैंने कैलकुलेट कर लो आराम से देखो तो, 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 सोच रहा है कहीं इसमें ना वो सर बता दे फिर हमारा हिसाब ना प्लस माइनस कर अरे उसमें भी इतना अरे बीस हजार लेना था पांच हजार लेना बाकी अभी तुमसे बोलो ना सर पंद्रह दे चुके है कि नहीं वही चीज तो मैं भी बोल रहा हूँ अगर हमको 50 किसी से लेना है और अब मैं बोल रहा हूं 20 लेना है तो इट मीन्स आई गॉट रुपीज थर्टी थाउजेंड सेट तो हम ये जो डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग का डेटर्स का हम ये जो किसी ने नहीं पूछा सर ऐसा क्या था कि यहां पर आपने करंट ईयर और लास्ट ईयर लिखा उस समय डाउट आया होगा लेकिन किसी ने पूछा नहीं था हिम्मत नहीं की अब समझ में आया ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों लिखा कि यहां पर डेटर्स था हमारे पास पचास हजार अब है हमारे पास बीस हजार ओनली बाई सींग दिस वन वन लाइन वी कैन ड्रॉ द मीनिंग दैट वॉट इज द कैश सेल्स हो सकता है इसमें जो कैश सेल्स है वो तो कैश है ही है लेकिन इसमें जो उधार वाली सेल है उस उधार में से कितना मिल गया वो हमें ये बताता है अब समझ में आई बात तो हमें कितना मिल गया तीस हजार लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास था पचास हजार लेना अब लेना है हमको सत्तर हजार इसका मतलब उल्टा मैंने और उधार माल बेच दिया अपना पैसा कम कर दिया मैंने जो खरीदी हुई चीज थी वो भी दे दी तो मेरा तो पैसा जा चुका था तो मेरा उल्टा पैसा चला गया पहले आपको पचास हजार का माल पैसा लेना था अब मुझे सत्तर हजार का पैसा लेना है इसका मतलब ट्वेंटी थाउजेंड फिर मेरी जेब से चला गया बोल सकते हो ना तो अगर हम कहें डिक्रीज इन डेटर्स तो पैसा आया इंक्रीज इन डेटर्स पैसा गया तो ये कौन सी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग मैं नहीं बोल रहा तुम ही लोग बोल रहे हो इंक्रीज इन डेटर्स पैसा गया पैसा गया तो इंक्रीज इन in और डिक्रीज इन पैसा आ गया अगर मैं कहूं इंक्रीज इन स्टॉक पहले मेरे पास चालीस हजार का स्टॉक था सेम वहीं पर आते हैं पहले मेरे पास चालीस हजार का स्टॉक था अब साठ हजार का हो गया इसका मतलब मेरी जब से पैसा तो इंक्रीज इन करेंट एसेट का मतलब पैसा गया ये इनडायरेक्ट मेथड है इसीलिए इसका नाम इनडायरेक्ट है चालीस से साठ हो गया यानी इंक्रीज इन स्टॉक करने से मेरा पैसा गया तो इंक्रीज इन डेटर्स एंड इंक्रीज इन इंक्रीज इन डिक्रीज इन डेटर डिक्रीज इन स्टॉक डिक्रीज इन अब जरा लाइबिलिटी की बात करते हैं पहले मेरे पास आ, क्रेडिटर्स थे अस्सी हजार के अब मेरे क्रेडिटर्स हैं पचास हजार के तो इसका मतलब मैंने उनको पैसा दे दिया जब डिक्रीज होता है क्रेडिटर तो इसका मतलब पैसा दे दिया पैसा दे दिया डिक्रीज इन क्रेडिटर्स उल्टा है डेटर्स का बोलो प्लस हो जाएगा इंक्रीज इन क्रेडिटर्स अगर हम क्रेडिटर्स बढ़ा दिए हमको तुम्हें देना था पचास अब देना है अस्सी इसका मतलब तुमसे उल्टा और ले लिया ना तीस हजार है कि नहीं इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कहा सर सर इतनी नौटंकी क्यों कर रहे <laughs> घर पे सर्कस देखते थे <laughs> यही सोच रहे हो ना आज बैसा टिकर टिकर का पैसा देकर जाना टिकट <laughs> का माइनस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स एंड अब समझ में आया तो हम लोगों ने यह भी खत्म कर डाला कौन सी चीज कुछ बचा नहीं तो आपका ये हो जाएगा ए अच्छा एक चीज बच गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई रह गई रह गई सुन के तेरी ये बात अखमेरी भर गई भर गई भर गई किस मूवी का गाना था दाड़का? एक बार नहीं भर गई तीन तीन, तीन बार अखमेरी भर गई सुनो हम लोगों ने एक चीज छोड़ दी बस ना अगर ये हो जाए तो एक चीज और रह जाएगी <laughs> जो हम आज के सेशन में नहीं पढ़ेंगे जब लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा मुश्किल से दो से चार मिनट लगेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में बात करेंगे लेकिन पहले आज इसको निपटा देते हैं खत्म कर देते हैं <laughs> टैक्स के बारे में बताओ टैक्स कौन सी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग है इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है एक मिनट किसमें जाएगा कॉमन सेंस कॉमन सेंस करिए <laughs> अरे बोलो ना कॉमन सेंस किसमें टैक्स क्यों दे रहे हो इनकम टैक्स क्यों देते हो क्यों देते हो किस पर देते हो इनकम पे इनकम कहां से कमाते हो माल खरीदने और बेचने से और माल खरीदना बेचना कौन सी एक्टिविटी है तो इनकम तो बात समझ में है, वो भी हमारी कौन सी एक्टिविटी है तो हमें यहां पर लिखना क्या है टैक्स प्रोविजन इज नॉट अ कैश आइटम ये याद रखना टैक्स प्रोविजन जो होता है वो हमारा कैश आइटम नहीं होता नहीं होता ना अरे प्रोविजन मतलब फ्यूचर में जो जाना है तो टैक्स प्रोविजन ऐड कर लो क्या ऐड कर लो लेकिन टैक्स जो आपने पे किया है उसको माइनस कर लो टैक्स प्रोविजन नॉन कैश आइटम है प्लस कर दिया लेकिन जो टैक्स एक्चुअल में दिया है उसको तो माइनस करोगे ना आ गए सही जगह पर ये हो गया आपका ए ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी और इसको अब थोड़ा हम ऐसे लिखेंगे ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी दिन भर में ये का एक्टिविटी हुई प्लस या माइनस जो भी आया हो इसमें हम अगर हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वेलेंट ऐड कर ले चीज लिख रहे हैं नीचे ऊपर कैश एंड कैश इक्वेलेंट तो क्या आ जाएगा क्लोजिंग दिस इज द कंप्लीट सिस्टम ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट मजेदार था ना और टफ नहीं है बच्चों वाला है थोड़ा लगेगा एक से दो दिन हल्का सा टेंशन होगी लेकिन बिल्कुल टेंशन पालना बहुत आसान सा चैप्टर है हमने कहा टैक्स एक्चुअल में सरकार लेती है या नहीं लेती है तुम जमा करते हो नहीं करते हो तो पैसा तो जाता है ना तो जितना जाएगा वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है लेकिन टैक्स प्रोविजन नॉन कैश आइटम है एक्टिविटी नहीं बोला मैंने अंतर तो समझो है है ना है? कैश कैश टैक्स पेड एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है लेकिन टैक्स प्रोविजन जो फ्यूचर में देना है कैश गया क्या जो जितना गया उतना माइनस करो ना तब तुमने कहा हमको दस रुपए देना है तो क्या ये नॉन कैश आइटम है या कैश आइटम है नॉन कैश तो उसको जोड़ दो और कहे कहा तुमने हमने छह रुपए दे दिया तो माइनस कर दो हो गया इतमीनान से करना घर पे जितना मैंने बताया है इतमी से करना कोई हड़बड़ी नहीं है और बहुत तेजी से ये खत्म होगा और चुम कर दें <laughs> ले लो इसका भी फोटो ले लो <laughs> हाँ अरे हो गया भाई टाटा बोले नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा खूब मजा आने वाला है इस चैप्टर में एक एक क्लास में एक-एक एक-एक क्लास क्वेश्चन चलेगा <laughs> नहीं मज़दार है एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 20 से 25 मिनट में खत्म होगा क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा तो नियर अबाउट 16 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे सीधे आपके हाथ में रखा रहेगा करना क्या है कुछ नहीं केवल हाथ और पैर <laughs>